नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर एक बार फिर आयकर विभाग की टीम ने रेड मारी है। कल तक इसे सिर्फ एक सर्वे बताया जा रहा था, लेकिन आज फिर से इनकम टैक्स की टीम के पहुंचने के बाद अब रेड की खबर सामने आ रही है। बता दें कि कल इनकम टैक्स की टीम ने सोनू सूद के 6 ठिकानों पर करीब 20 घंटे तक छापेमारी की थी, जिसमें सोनू सूद का घर भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है, लेकिन इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वो दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से एक आम इंसान की दिल खोलकर मदद की, लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। हालांकि अब सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवार की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद का साथ मिला था। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात लगाकर लोगों के लिए काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, अपने घर के सामान को गिरवी रखकर लोगों की मदद की, उनके घर में इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? इस देश में जिस व्यक्ति को सरकार को सम्मानित करना चाहिए, उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिनकी सरकारों में गंगा नदी में लाशें तैरती रहीं, चील कौवे उन्हें नोच के खाते रहे, और जो आदमी दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके यहाँ अब छापे डलवाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना और मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।